नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। सपना शुक्ला मैं आपके साथ, और सबसे पहले बुलेटिन में बात सीमा, जो सीमाओं को पार करते हुए भारत तो आई, लेकिन उसके ऊपर शक अभी भी गहरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। देखिए, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की चर्चा इन दिनों बहुत जोरों पर है। कोई उन्हें पाकिस्तान का जासूस बता रहा है, तो कोई प्यार में सीमा पार करके आई एक प्रेमिका। लेकिन इस दौरान सीमा पर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। सीमा को देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा बताया जा रहा है, और वहीं उसके दावों पर भी अब कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सीमा ने अपने पहले पति गुलाम हैदर के ऊपर भी अब तक कई आरोप लगाए हैं, और खुद की जान को खतरा भी बताया। न्यूज 18 इंडिया की सीमा पर काठमांडू से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। और आखिर सीमा की सच्चाई क्या है, और भारत आने का उसका मकसद क्या है, इन सवालों और सीमा के दावों को लेकर न्यूज 18 इंडिया सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने जा रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आई और सचिन मीणा के साथ रहने लगी, तो पाकिस्तान में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी। सीमा के इस कदम को उनके पहले शौहर के अलावा वहां के नेता भी गलत ठहराने लगे थे। मेरे बच्चे मेरे घर पे नहीं है, मैं परेशान हूँ। मैं पुरजोर अपील कर रहा हूँ सरकार से कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करे, जो क्रिमिनल है सीमा है उसको सजा दी जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, सीमा क्या इनलीगल तरीके पे आया हुआ है, जब पकड़ा गया तो इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या किसी घर में रखा जाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी योर शो। देखिए, हम नाराज तो नहीं है, बात एक प्रिंसिपल की है, उसूल की है, कि सीमा हैदर का ये जो कदम है, जो उसने स्टेप उठाए हैं, वो मोरली, वो लीगली और रिलीजियसली वो गलत किया है उन्होंने। वो सीमा हैदर जो है वो एक मैरिड थी, उसके बच्चे थे, वो अपने हस्बैंड को उसने चीट किया और उसने लीगली कोई तलाक नहीं ली अपने हस्बैंड से, वो उनसे अलग नहीं हुई। और रिलीजियसली भी आप देखें, एक तो उसका धर्म जो है इस्लाम, वो उसको अलाउ नहीं करता कि वो अपना मजहब तब्दील करे। और दूसरी तरफ आप देखें, जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, तो क्या वो ओपन है? ये हमें सब सोचने की जरूरत है कि कोई किसी भी वजह से आके उस मजहब में, उस धर्म में एंटर हो जाए। पर मैं इनके बगैर वहाँ जी नहीं पाती, और मेरा अगर हैदर या किसी को भी पता पड़ जाता ना, किसी में बात करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो मुझे तो वहाँ, आपको जिस तरह सिंधी बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि वहाँ कारो कारी का रवाज है, तो इसमें मैं तो खत्म ही हो जानी थी। यही वजह थी कि मैं यहाँ चली आई, मुझे यकीन था कि हम खुश रहेंगे, और वो मुझे मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते इंडिया में। जब सीमा हैदर हिंदुस्तान आई तो सोशल मीडिया पर गुलाम हैदर का वीडियो सामने आया, जिसमें वो भारत सरकार से सीमा और उनके बच्चों को वापस करने की अपील करते दिखे। जबकि सीमा हैदर का आरोप है कि उन्हें अपने शौहर से इज्जत नहीं मिलती थी और सचिन मीणा उनके सुख दुख में साथ रहे, जबकि गुलाम हैदर को ना उनकी फिक्र है और ना ही उनके बच्चों की। तो मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर है, ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है, मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मुझे, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। बच्चों के पिता तो उधर है, बच्चों के पिता उधर है। अब सर, एक बात से, इतनी बात से आप समझदार सोच सकते हैं, जब मैं 2 महीने तक लापता थी, जब मेरी बहनों ने एफआईआर कटाई कि सीमा गुम हो गई, हैदर सऊदी में बैठ के क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे सीमा मीडिया पे आए या कहीं पे मैं बोलूं? वो कह रहे 70-80 हज़ार रुपए भेज रहा हूँ हर महीने। वापस क्यों नहीं गए वो मुझे ढूंढने के लिए? आप इतनी सी बात के सोच लें, मेरे छोटे से बच्चे, मेरे बड़े बच्चे नहीं है, 10 साल का कोई भी नहीं है, तो कभी उनको ढूंढने क्यों नहीं गए? वहां बैठ के नारे लगा क्यों पाकिस्तान खुद नहीं जा रहे, खुद क्यों नहीं कोशिश कर रहे? सिर्फ बातें हैं सर। अगर वो इतना अच्छे होते शायद मैं यहाँ ना होती, सचिन के लिए मेरी जिंदगी में जगह ना होती। नहीं, पर बच्चे अगर कहें कि भाई हमारे पिता तो वो हैं, बच्चे कहेंगे तो बच्चों को मैं जाने दूंगी सर।
पर बच्चों ने कभी उनका प्यार ही नहीं देखा। आप अगर बच्चे सचिन हैदर के पास जाना चाहेंगे ना, मैं भेजूंगी खुशी खुशी। अगर वो रोएंगे तो मैं नहीं भेज सकती सर। मेरे बच्चे मुझे ही माँ मानते हैं, मुझे ही बाप मानते हैं। सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी की तस्दीक करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर सामने आया था। सीमा हैदर के नाम का एक हलफनामा जिसे पाकिस्तान की अदालत में दाखिल करने का दावा किया जा रहा है। हलफनामा सीमा के नाम से है और हलफनामे की बुनियाद पर दावा किया गया है कि सीमा ने ये साफ किया था उनके पिता किसी और से शादी कराना चाहते थे। उन्होंने गुलाम हैदर से शादी के लिए अपना घर छोड़ा, गुलाम हैदर से अपनी मर्जी से शादी की, बिना किसी डर या दबाव में उन्होंने गुलाम से शादी की और अपनी मर्जी से अपने पिता का घर छोड़ा। पति की बात कर रही हैं आप, आपने उनसे भी तो प्यार करके शादी नहीं की। सर ये झूठ है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। कभी मैंने उनसे प्यार करके शादी नहीं करी, ना वो कभी उन्होंने मुझे इस तरह रखा भी। सही सर, बाकी देने लेने की बात है तो वो देते थे शुरू में, मुझे बिल्कुल देते थे सर, पर हमारी प्यार की शादी नहीं थी। इस मजबूरी को मोहब्बत ना कहा जाए सर, मैंने पहले भी कह दिया था। तो उनका कहना है कि वो प्यार की शादी है। बिल्कुल, वो तो हर चीज़ कह रहे हैं, हर चीज़ को उल्टा, जिस तरह पाकिस्तान के लोग नफरत जाहिर कर रहे हैं मेरे पर, गलत यहाँ के लोगों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। क्या वो सच हो सकता है सर? एक लड़की कह रही सीमा के हज़ारों दोस्त थे, क्या ये सच हो सकता है सर? एक औरत के हज़ारों दोस्त बन सकते हैं सर? वो भी जिस चार बच्चों की माँ हो, जो घर में रहती हो, जो जब बचपन जिसका गांव में और बाद में शहर में हो, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हम बलोच कबीले से हैं सर, आपको बलोच पता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली ऐसे ही बोल रहे हैं। सच क्या है? क्या सीमा ने अपना घर छोड़कर गुलाम हैदर से लव मैरिज की थी? सीमा की पहली शादी का रहस्य क्या है? सीमा जो कह रही हैं वो सच है या फिर वो सच है जो गुलाम हैदर कह रहे हैं, या वो हलफनामा सच है जिसमें सीमा ने हैदर को अपना प्यार करार दिया? अब भले ही सीमा की पहली शादी का सच कुछ भी हो, लेकिन एक सच सीमा की जुबानी जाहिर है और वो सच ये है कि सीमा हैदर अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना दे वापस हमारे कोई कुछ नहीं है। न्यूज 18 इंडिया को सीमा हैदर की एक चैट मिली है और इस चैट में सीमा हैदर को बस स्टाफ के गूगल पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात लिखी हुई है, जिस पर सीमा हैदर ने मीना जी के नाम से सेव किया हुआ है नंबर बस सर्विस वाले को भेजा और उसमें लिखा कि भैया आप उनको मैसेज कर दो। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने सचिन मीणा का नंबर मीणा जी के नाम से सेव किया हुआ था और सीमा ने बस टिकट की बाकी पेमेंट सचिन से लेने के लिए कहा था। सीमा का दावा है कि गुलाम हैदर से उसने मजबूरी में शादी की और शादी के बाद पहली बार कराची गई, लेकिन इस